और यहाँ पे एक सॉकर का टेबल भी है, टेबल टेनिस भी है, कैरम भी है। तो आप कभी भी आओ यहाँ पे नेचर ड्रॉप्स में, तो आप ये गेम्स खेल सकते हो। तो अब बात आती है कि क्या प्राइस पड़ा था, कितने का चार्जेस है, क्या इंक्लूसिव था और क्या एक्सक्लूसिव था। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लंच करने के बाद, थोड़ा सा एंजॉय करने के ये बाद, भाई, हम क्या कर रहे हो? हम नेचर का मजा ले रहे हैं। इतने सुंदर व्यू है यहाँ के। क्लाउड देखिए, एकदम क्लाउड देखिए, और अब हम कभी यहाँ ब्लैक हो रहे पे हैं, कभी रेड, रील कभी बना रहे हैं ग्रीन। नज़ारों पे, अलग ही फील आएगी। और ये वहाँ पे देखो देखो, कितना रंग खूबसूरत, बिरंगते बदलते पहाड़, रंग बिरंगे वाओ पेड़। अमेजिंग व्यू। और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं नेचर की लैप में, सबने गॉगल्स वॉगल्स पहने अब हुए। हमारा फोटो सेशन फोटो होगा। सेशन एंड रील सेशन चल रहा है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी ट्रिप का। और आगे अगर हमारी रील्स देखनी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख सकते हो, सौरभ अंडरस्कोर महेंद्रू और गौरव महेंद्रू भाई का। तो पहले हम रील बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। भाई साहब, यहाँ तो 10-15 मिनट में ही पूरा मौसम का माहौल बदल गया है। बारिश का मौसम बन चुका, बड़ी तेज़ हवाएं चलने लग गई हैं, मौसम हो गया है ठंडा। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो पूरा ऊपर तक देखोगे, क्योंकि मैं बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ जहाँ से कोई कॉटेज स्टार्ट होती है। तो ये यहाँ से कॉटेजेस हैं, जो फर्स्ट टू कॉटेजेस हैं, सबसे नीचे लेवल वाला है। इसके नीचे फिर पहाड़ी है और कुछ नहीं है, मतलब रिजॉर्ट का कोई रूम नहीं है। एक वहाँ पे हट्स हैं और हमारी वो ऊपर है, और उसके ऊपर पूरा ऊपर पेड़ ही पेड़ हैं, पहाड़ हैं। और भाई साहब, जो हवा चल रही है ना, छोटी छोटी बूंदे बारिश की गिर रही हैं, पूरा माहौल ही बदल गया। और यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है मेरे को रूम में चलना चाहिए, नहीं तो मैं भी भीग जाऊँगा। तो मैं चलता हूँ रूम के अंदर फटाफट, फिर मिलता हूँ आपको रूम के पास। तो भाई साहब, यहाँ तो ओले गिरने शुरू हो गए हैं, मौसम एकदम से बेईमान हो गया है। और एकदम से धूप निकली हुई थी और पता नहीं क्या हुआ, एकदम से बारिश शुरू हो गई। ओले भी गिरे हैं हल्के फुल्के, अभी थोड़ी सी बंद हुई है। तो मैं भी यहाँ बैठ के मौसम का आनंद ले रहा हूँ। चाय ऑर्डर करी है, चाय भी आएंगे, और वो आगे भी सारे अपने अपने हट के अंदर चले गए। अच्छा सा लग रहा है, बारिश हो रही हो। स्नोफॉल का तो कोई लग नहीं रहा, बट ओले गिरे हैं थोड़े से, छोटे छोटे से। तो ओवरऑल नेचर का पूरा मजा लिया जा रहा है, बारिश का, बादलों का, धूप का। ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्लेजेंट सा लग रहा है। तो एंजॉय करते हैं इसी नेचर को। ये देखो, फिर से बारिश तेज़ होगी, अभी ओले भी गिरेंगे, छोटे छोटे गिर रहे हैं। अगर ज़्यादा बड़े गिरे तो फिर मैं दिखाता हूँ। थोड़ी सी बारिश कम हुई है, फिर से बर्ड की आवाज़ आनी शुरू होगी। और जो ये लीव्स और फ्लावर्स बहुत अच्छे से लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ड्रॉपलेट गिरी है ना इनके ऊपर, अच्छा लग रहे हैं। और फ्लावर्स तो यार होंगे ही, जब इतना मतलब रेनी रहेगा, इतना अच्छा प्लेजेंट वेदर रहेगा, तो फ्लावर्स यहाँ पे नहीं होंगे तो कहाँ पे होंगे। और वहाँ सामने तो देखो, ऐसा फॉगी सा हो गया है, काले रंग के बादल आ गए हैं। और अभी भी बीच बीच में बारिश एकदम तेज़ हो रही है, एकदम बंद हो रही है, कभी ओले गिर रहे हैं। सही सा लग रहा है। अभी ऐसे अभी हमने चाय मंगवाई है, देखो भैया भी कह रहे, अभी भेज रहे, बारिश तो कम हो दो तब भेजेंगे। तो ये एक बहुत प्यारी सी इन्होंने बेल लगा रखी है, डोर बेल, ये बड़ी प्यारी है, उसकी वाइब अच्छी है। तो भैया भी गए अपने रूम में, बाहर खड़े होकर ठंडी ठंडी फील हो रहा है, तो मैं चाय का वेट कर रहा हूँ। एक बार चाय आ जाए फिर पी के एक ही बार बेड पे बैठूंगा, नहीं तो ब्लैंकेट में घुस गया तो फिर बाहर नहीं निकला जाएगा। तो बार बारिश हो रही है, हम रूम में बंद करके अंदर चाय पी रहे हैं और विंडो से इस नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। फील तो यहाँ से भी पूरी आ रही है नेचर की। तो वैसे अभी टाइम हुआ 6:30 का, और मैं नीचे जा रहा हूँ चाय पकोड़े खाने। 6 बजे के आसपास चाय पकोड़े लग गए थे, भैया ने बोला था। और सारा देखो रेनी हो गया, बारिश की वजह से सारा गीला गीला हुआ हुआ है। तो नीचे वहीं पे जहाँ पे लंच किया था, वहीं पे इवनिंग ब्रेकफास्ट, सुबह का ब्रेकफास्ट भी वहीं लगता है। काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ नीचे, अंदर मैं रेस्ट कर रहा था, और ये कुछ लाइटिंग ऐसे करी हुई है, माहौल बनाया हुआ है। और नीचे काफ़ी देर से मैं देख रहा था कि गाने बज रहे हैं, बॉनफायर हो रही है। तो फाइनली मैं आ ही गया, मैंने मैं चक्कर मार के आता हूँ जरा, देख के नीचे का क्या माहौल है, थोड़ी बहुत गेम्स भी खेलेंगे। तो यहाँ तो क्रिकेट का मैच चल रहा है,
और नीचे एक जगह पार्टी चल रही है, दो जगह बॉनफायर हो रही है, यहाँ पे पापा बैठे हैं और उधर नीचे दो फैमिलीज अलग बैठी हुई हैं, तो अपना एंजॉय। तो इट्स टाइम टू प्ले पूल नाउ। मेरी हैं सॉलिड, पापा की हैं स्ट्राइप्स, ओ बच गई। तो मेरी सॉलिड चली गई हैं, उसके बाद ब्लैक लेनी है, दो रह रही है, एक रेड और एक ग्रीन, उसके बाद मैं ब्लैक लूँगा, पहले इनको कवर कर। मेरी सारी बॉल गई, अब सिर्फ ब्लैक बची है, और अगर मैंने ब्लैक पॉट कर दी तो मैं जीतूँगा, जो सिर्फ चार कॉर्नर्स पर हो सकती है, बीच में नहीं करते। और ये यहाँ पे टीटी और दूसरी सॉकर की भी टेबल है खेलने के लिए। फाइनली आई वन द गेम। पापा की दो बॉल रह गई थी और मैंने लास्ट में ब्लैक बॉल कॉर्नर पे पॉट कर दी। और यहाँ पे एक सॉकर का टेबल भी है, टेबल टेनिस भी है, कैरम भी है, तो आप कभी भी आओ यहाँ पे नेचर ड्रॉप्स में, तो आप ये गेम्स खेल सकते हो, टाइम स्पेंड होता है यहाँ पे। अगर आपके रिजॉर्ट में गेम्स वगैरह हो खेलने के लिए, तो अच्छा टाइम पास हो जाता है फैमिली के साथ आए हो, क्योंकि यहाँ पे बाहर जाके कुछ घूमने का तो इतना है नहीं, मार्केट वगैरह या मॉल रोड बड़ा आउटस्कर्ट में बना हुआ है और ऑलमोस्ट सब पेड़ पौधे जंगल के बीच में ही है, तो अच्छा लगता है गेम्स कुछ इंटरनल मिल जाए खेलने के लिए। तो फिलहाल डिनर स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा लेट आए हम। डिनर में है पीली दाल तड़के वाली, आलू गोभी मिक्स वेज और पनीर। पनीर मैं खाता नहीं। अच्छा पनीर बढ़िया। चपाती आ गई मेरी तंदूर वाली, और पीछे चल रहा है मैच। फिलहाल खाना खाते हैं, खाना खाते हैं जल्दी गर्म गर्म, फिर क्योंकि बहुत जल्दी ठंडा हो रहा है, खाना खाते फिर बाद। तो आज का आखिरी कप चाय का टाइम हो गया 11:30 का। ठंडा लग रहा था थोड़ा, सोचा कि कुछ चाय वाय पी जाए, क्योंकि अभी नींद तो आने वाली है नहीं, तो सोचा एक कप चाय पी लेता हूँ। बना नहीं रहते भैया, किचन बंद हो गई थी, तो थोड़ा रिक्वेस्ट किया, बट काफ़ी अच्छे कोऑपरेटिव स्टाफ है तो बना दिया उन्होंने। तो गेम भी खेली, बॉनफायर भी करी, हालांकि दिल्ली में बहुत गर्मी है, यहाँ पे अच्छा लग रहा था ठंडा, बारिश भी हो गई, स्नो भी देख, स्नो तो नहीं ओले देखे थे, खैर ओले पड़े थोड़े से ही पड़े थे, तो ओले भी देख लिए, बारिश भी देख ली, बादल भी देख लिए, गर्मी तो थी सुबह, तो सब देख लिया। फिलहाल थकावट हो रही है थोड़ा सा, अब सोएंगे, कल का प्लान देखते हैं कहाँ जाना है, भीमताल जाएंगे, नैनीताल जाएंगे या जहाँ भी जाते हैं। तो कल मिलते हैं आपको नए सुबह नई व्लॉग के साथ। और इस रिज़ॉर्ट का क्या प्राइस है, क्या क्या इंक्लूडेड था इसमें, मील क्या इंक्लूडेड थी और गेमिंग में भी क्या इंक्लूड था, वो सब बताऊँगा कल सुबह। तो अभी सोता हूँ मैं, आप भी रेस्ट करिए, गुड नाइट, टेक केयर। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम है सुबह के 8:15 का, और हम बाहर बैठ के वादियों का मजा ले रहे हैं और चाय पी रहे हैं। और अगर मैं 2 मिनट के लिए चुप हूँ और आप पीछे से बर्ड्स की आवाज़ सुन पाओ, तो अलग अलग तरीके के बर्ड्स यहाँ घूम रहे हैं और उनकी आवाज़ें आ रही हैं, अच्छा लग रहा है बाहर बैठ के। अब हो गया, काफ़ी धूप निकली हुई है, बारिश का बादल वादल तो अभी कोई सीन नहीं लग रहा, हाँ दोपहर तक ही होते हैं अगर बादल होते भी हैं, तो देखते हैं, तब तक तो शायद हम चेकआउट करके निकल जाएंगे, देखते हैं आगे भीमताल रुकना है या नैनीताल रुकना है। फिलहाल मैं तो यहाँ बैठ कर अभी चाय का आनंद ले रहा हूँ। भाई साहब यहाँ तो फील ही अलग है, भाई साहब फील ही अलग है, मतलब सुबह उठो आप एकदम फ्रेश फील होगा, और जैसे दिल्ली में उठते हैं ना एकदम पोल्यूशन, ऐसे दिमाग दबा दबा रहता है, आप एक्टिव फील नहीं करते हो, यहाँ तो इतना फ्रेश फील हो रहा है ना वो बता नहीं सकता, मतलब बर्ड्स चर्पिंग साउंड आ रही है, इवन बर्ड्स यहीं घूमते हुए दिख रहे हैं, छोटे छोटे पंछी आ जाते हैं, और जितना फ्रेश फील हो रहा है ना वो एक्सपीरियंस अद्वितीय है, अतुलनीय है। मतलब आप तो एक हफ्ता भी यहाँ रुक जाओगे ना तो भी आपको लगेगा यार अभी भी कम है, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं ट्रैफिक का, बयान मतलब वो फील नहीं कर पाओगे कैमरे के थ्रू, बट जो हवा फील हो रही है, जो फ्रेशनेस फील हो रही है ना, वो अलग ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। तो अभी टाइम हो गया 10 बजे का, और हम नहा धो के फ्रेश होकर जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, भाई भाभी चले गए हैं, पापा भी चले गए, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, और मैं यहाँ काफ़ी देर बैठ के विटामिन डी लेता रहा, क्योंकि प्योर विटामिन डी पहाड़ों पर ही मिलती है। तो नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, देखें ब्रेकफास्ट में क्या है।
ब्रेकफास्ट में सैंडविच, मैक्रोनी, स्प्राउट्स और छोले भटूरे, और बाद में खाऊँगा साथ में चाय। वहाँ पे कोने में बैठे, मैं इधर बैठ गया। छोले भटूरे टाइम। तो फिलहाल प्लान यही हुआ है कि आज यहीं रुकने वाले हैं, और यहाँ पे रुकना बनता भी है एक्चुअली में एक दिन का। यहाँ पे मज़ा आएगा नहीं, क्योंकि एक दिन तो बंदे को थकावट उतारने में लगता है। तो आज हम प्रॉपर नेचर का मज़ा लेने वाले हैं। फिलहाल मैं नीचे पार्किंग में आया था, सोचा कि अम्ब्रेला ले लूँ, अगर बारिश होती है तो घूमने में अच्छा लगेगा रिजॉर्ट में। और ये पार्किंग है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4-5-6 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं, कुछ बाइक्स वगैरह भी लगी हुई हैं। और यहाँ से ऊपर जाके आता है, ऐसे 3 प्रॉपर स्लोप हैं ऊपर प्रॉपर रिजॉर्ट में पहुँचने के लिए। और चारों तरफ अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ हिल्स ही दिख रही हैं, कोई ट्रैफिक की कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ बर्ड्स चर्पिंग साउंड आ रहा है। और मैं फ़िलहाल यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट करने आया हूँ, जो मैं शॉट्स डालूँगा पूरे रिजॉर्ट का। तो आपने अगर देखना हो तो वो मेरे चैनल पे ही जाके देख लेना, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जब भी मैं शॉट्स बना के डालूँगा। तो अगर आपने एक प्रॉपर सिर्फ रिजॉर्ट का ही देखना हो, शॉट देखना हो, तो आप उस शॉट पे देख के देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ मैं आपको रूम्स वगैरह और क्या यहाँ पे एंट्रेंस है, कैसे डाइन इन है, तो सिर्फ मैं वो कवर करूँगा। क्या प्लान है फिर? मुझे लग रहा है हमें तो नेचर की गोद में ही रहना चाहिए आज का दिन भी। फिर सामान पैक करेंगे, भागा दौड़ी करेंगे, नैनी लेक जाएंगे। 10वीं बार हमने बोटिंग कर रखी है, कल कर लेंगे। आज मैं सोच रहा हूँ कि यहीं स्टे करा जाए। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल है, अगर वो मन करेगा तो वहाँ का ट्रैक करेंगे। मैं तो कर सकता हूँ, बाकी 3 लोग और हैं जो साथ में, फादर भी हैं, मैं तो कर लूँगा, ये भी कर लेगी, तू कर लेगा, यहीं जाके पता लगेगा कौन कर लेगा। तो आज अभी प्लान यहीं का सोच रहे हैं, यहीं पे स्टे करेंगे। बाकी अभी भी कुछ चेंज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पापा से भी एक बार पूछते हैं क्या कहते हैं, यहीं रुकना तो यहीं रुकेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे नेचर का मज़ा आ रहा है, बाकी आसपास की सारी चीज़ें तो हमने देख ही चुके हैं। एंड नो डाउट इन इट, हमने बोटिंग वगैरह भी करी है, भीमताल भी गए हुए, पर ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट है, रिलैक्सिंग। तो इसलिए सोच रहे कि यहीं पर रुकते हैं, ज़्यादा थकावट नहीं होगी, फिर आराम से कल जाके, फिर घर जाके ऑफिस भी जाना है वनडे को। तो चांसेस यही है कि यहीं रुकने वाले हैं, और यहाँ रुके तो फिर वाटरफॉल में जाएंगे, जो आगे जाके एक ट्रैकिंग करके। वाटरफॉल है, 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है पहाड़ों के बीच में। देखते हैं अभी क्या प्लान बनता। तो भाई साहब एक सीन ये हो गया कि हमने जब ऑटो वाले को बोला कि हम यहीं स्टे करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि आज की बुकिंग है, क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे संडे, तो मुझे भी डाउट था कि बुकिंग शायद पहले से ही होंगी। और वही सीन हुआ कि ऑलरेडी बुकड है पूरा का पूरा। तो बहुत ज़्यादा कॉटेजेस है नहीं यहाँ पे, बट ठीक है, मतलब नहीं तो फिर हर बार चेंज करते ही हैं। तो इस बार भी भगवान ने कहा कि यहाँ क्यों रुकोगे, चेंज करो। तो फिर अब हम जा रहे हैं नैनीताल साइड, वहीं पे आज पूरा दिन घूमते हैं, फिर शाम को देखेंगे जो आसपास होटल मिल जाएगा। नैनीताल तो बुक होने वाला है, पक्की बात है, वीकेंड है तो वहाँ तो कोई चांस ही नहीं है मिल जाए ईजीली। तो चलते हैं, फिलहाल नीचे उतर रहे हैं। अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 1 बजे का, और ये रास्ते में इन्होंने कई जगह सेटिंग बना रखी है, बहुत प्यारा था, आई वुड सजेस्ट कि ज़रूर आना। तो अब बात आती है कि क्या प्राइस पड़ा था, कितने का चार्जेस है, क्या इंक्लूसिव था और क्या एक्सक्लूसिव था। तो ओवरऑल हमें ये 4000 to 4500 का आपको कहीं पे भी ऑनलाइन मिल जाएगा, नेचर ड्रॉप्स करके रिजॉर्ट है ये पंगोट में। थोड़ा सा लास्ट 4 किलोमीटर अगर मैं कहूँ ऑफ रोडिंग पैच है, इतने ज़्यादा भी नहीं है, अगर कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर है तो आराम से चला सकता है। और इसमें जो था ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब इंक्लूडेड होता है, इवनिंग ब्रेकफास्ट भी होता है यहाँ पे, मतलब 2 तरीके की, एक दाल रखते हैं, एक सब्जी रखते हैं, राइस होते हैं लंच में भी, डिनर में भी सेम ही रहता है। डिनर में एक एक्स्ट्रा सब्जी रहती है, पनीर बना देते हैं, कुछ भी रहता, प्योर वेज है यहाँ पे, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। इनकेस आपको नॉन वेज पसंद है तो, नॉन वेज बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, प्योर वेज है। और आसपास कोई दूर दूर तक जल्दी ढाबा या वो भी नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल आउटस्कर्ट में आप देख रहे हो जैसे पूरा आउटस्कर्ट में पड़ता है। लास्ट 4 किलोमीटर आपको कुछ नहीं मिलेगा, और पार्किंग यहाँ पे अच्छी है ही है, कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ प्लान करना चाहें तो आ सकते हैं, एकदम पीसफुल है। और जो भी है बेस्ट है, मतलब जितना बजट ये बताते हैं उसके हिसाब से बेस्ट है, कोई सच मतलब मैं कहूँ कि एक्सपेंसिव है नहीं। फूड बहुत अच्छा है, फूड आप टेस्ट करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल देसी टाइप का घर जैसा खाना होता है, कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं होते। तो ओवरऑल अच्छा स्टे रहा हमारा, आप भी अगर आना चाहें तो ज़रूर आना। तो चलते हैं फिलहाल आगे की ओर। तो फिलहाल करते हैं पनगोट को अलविदा, बहुत अच्छा रहा यहाँ का स्टे, और यहाँ से वादियों से निकल के अब हम चलते हैं नैनीताल की ओर।